कल विधानसभा में हमारे मंत्री जी कल फूड सप्लाई मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने मंत्री उसके ऊपर मणिपुर के इस इंसिडेंट के ऊपर के बहुत शर्मनाक बात है, तो हमारे एक मंत्री जी उन्होंने उठकर कहा कि मणिपुर को छोड़िए, राजस्थान की बात करिए, जैसी उनकी भाषा थी। और साथ ही साथ नेता जो अपोजिशन के प्रतिपक्ष के नेता हैं उनका उसी टाइम रिएक्शन आना और विद के ऊपर के कौन सी धारा में ये लागू होता है, और वो पहली जो इंडिपेंडेंट जहाँ बीएसपी उनके दिमाग से नहीं निकला कि मैं कौन सी पार्टी हूँ, पार्टी में हूँ। कांग्रेस एक डिफरेंट पार्टी है और अंदर बैठकर हम डेमोक्रेटिक वे से, डेमोक्रेसी है, कोई भी बोल सकता है, उसका जवाब भी देते हैं। और बार बार इनडिसिप्लिन करना इसका मतलब कैपिटल उनकी हैबिट हो गई है एक पार्टी को नेता दिखाना, जब पार्टी को किसके साथ। एक बात और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रधान जी आप भी नोट करिए कि उससे पहले और उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष ने एकदम अपना रिएक्शन दिया और नाम लेकर दिया, उसकी हम जांच करेंगे कि कहीं दोनों के साथ को नहीं, वो हम देखेंगे। और मैंने इनको मैं अभी कहा कि उसके बारे में भी हम दूसरी जाँच करें। सातकाना के कैबिनेट में दोनों ने सबसे बड़ी बात की, कैबिनेट का मंत्री राज्य मंत्री खड़ा होकर स्टेटमेंट देता है, इसका मतलब कि वो बिल्कुल स्टेट के गवर्नमेंट के साथ नहीं है। पहले भी तीन चार बार ऐसे हुआ और मैंने भी उनके साथ बात की थी, ऐसी नहीं आनी चाहिए, पर उन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा। एक बार नहीं दो बार मैंने बात की तो कहने लगे अब जो पार्टी में इनडिसिप्लिन करेगा, बहुत देख लिया, बहुत इनडिसिप्लिन देख लिया, इलेक्शन नज़दीक है, हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ है जो डिसिप्लिन की बात करती है बीजेपी, तो कांग्रेस में उससे ज़्यादा डिसिप्लिन। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर कोई भी बोल सकता है। ये मैं मंत्री जी को भी एक दो बार मैंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं सुनते आप उनके पास जाइए, नहीं सुनते आप मेरे पास आइए, मेरे साथ बात करिए, मैं करूँगा और जो बात करनी है मैं आप करूँगा। तो उन्होंने मेरे ख्याल उनको ये द्वारा नहीं लगा और उसके बाद हमने जो पार्टी के या स्टेट के, और देखिए जो मैं भी जब पहली बार MLA बना तो छोटी एज में बन गया, तो अब जो नौजवान लीडर होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनके एरिया की बात थी, उनके जो सेंटीमेंट थे उन्होंने अपने जाहिर किए और उन्होंने कभी भी पार्टी के जो बात नहीं की। और एक बार मरेना का परिवार कांग्रेसी परिवार है और उसने कभी ऐसा पार्टी के अगेंस्ट कोई बात नहीं की जो उनके ऊपर मैं कहूँ कि आपने जो बात करते, हाँ उनके मन की बात है, उनको हर्ट हुआ तो उन्होंने अपना, इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर खुली किताब कोई भी कह सकता कि मेरे साथ ये जाति हो रही है, मेरे जरूर करेंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा। देखिए आप अगर वो सॉरी करेंगे अदरवाइज जो पार्टी के अगेंस्ट चलेगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, हमारे कलेक्टिव जो है डिसीजन, जब से मेरे टाइम में 5-7-8 बार ऐसा हो गया है तो अगले आदमी को सुधरना चाहिए। जो हमारी पार्टी के जो ऐसी बात करते हैं उनके साथ बैठना हमारे लिए ठीक, उन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी की बात की, सेक्रीफाइज मैंने सुनता कि उन्होंने कोई गलत बात की, मेरा भी हक मैंने, और डोटासा जी बैठे हैं, अगर पार्टी की कोई बात होगी फिर हम करें, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी जो डिमांड्स हैं वो हमने पूरी कर दी। से पूछते हैं कि हमारे आदमी से आपने क्या सांठगांठ की, कि आपको क्या पता चला कि राजेंद्र गुड्डा इस वक्त ये बोलेगा और मुझे इस धाराओं का बखान करते हुए ये बात कहनी पड़ेगी, ये जांच का विषय अभी प्रभारी जी कहते गए। ये राजेंद्र राठौड़ साजिश करने का सातिर व्यक्ति है, ये साजिशें रखता है बीजेपी के खिलाफ भी, वसुंधरा जी के खिलाफ भी, सीपी जोशी जी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के उनके खिलाफ भी, और हमारे जैसे छोटे जो किसान के बेटे हैं जो उठ करके आगे उनको पचा नहीं पा रहे हैं उनके खिलाफ भी।
अब देखिए, जो प्रभारी जी ने कहा है कि हमें यह लगता है कि ये क्या मामला था कि उनका मणिपुर की महिलाओं के अपमान की जो घटना थी वो पूरे देश और दुनिया में हिला देने वाली घटना थी, जो सबको शर्मसार कर रही थी, उसको आप राजस्थान के एक दो जो प्रकरण हुए हैं उससे जोड़ करके उस मुद्दे को डाइल्यूट करना, मैं समझता हूं कि इसको समझना पड़ेगा कि कितनी गंभीर बात है। और जो मुझे पता चला है कि राजेंद्र राठौड़ ने हमारे किसी नेता को, समय आने पे खुलासा करेंगे, सुबह 9 बजे फोन करके कहा कि आज हम कुछ धमाका बड़ा करने वाले हैं। इससे ये लगता है कि ये साजिश करने वाली पार्टी है और इसने साजिश करके इस तरीके का खेल करवाया और देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी से वाई वाई लूटना चाहते हैं कि देखो हमने कितना बड़ा मुद्दा था जिसको हमने डाइल्यूट कर दिया। आना धाराओं को याद रखना, उनको नाम याद नहीं है घर वालों के, क्या बात कर रहे हो, किनको? मुझे, मैं गलत बात नहीं करता और गोविंद डोटासरा कभी यूटर्न नहीं लेता, ये दिमाग में रखना है ना। मेरे किसी नेता ने, मेरे पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता ने मुझे कहा है कि राजेंद्र राठौड़ ने मुझे टेलीफोन करके ये कहा था कि आज बड़ा धमाका होने वाला है। इससे ये लगता है, मैं प्रमाणित नहीं कर सकता इस बात को क्योंकि हमारे प्रभारी जी ने कहा है, तो कहीं ना कहीं उनको इनपुट मिला है, तो ये बात जांच का विषय है कि ये इस तरीके की कोई साजिश तो नहीं रची गई जिसके तहत देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसको डाइल्यूट करने के लिए इस तरीके की ये बात की।